वेलकम गाइस, एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट वैकेंसी थी, उस परमानेंट वैकेंसी का जो फॉर्म है दोस्तों, रीओपन हो गया है, यानी वापस से ओपन हो गया है। आप यदि आपने इसका फॉर्म, आपका किसी वजह से छूट गया था, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों, परमानेंट भर्ती है। और यदि आपका छूट गया था तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, 2 अक्टूबर तक इंक्रीज़ हो गई है। पोस्ट जो है आपकी परमानेंट पोस्ट है, जिसके अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी दोस्तों, 44,900 से लेकर के 142,400 तक आपको सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि सर इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर पेमेंट आपका कैसे होगा, और पूरी डिटेल से अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एक्सटेंड वाला जो नोटिस है, फॉर्म जो रीओपन हुआ, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे जो है इसका जो लास्ट डेट थी पहले, वो बढ़ करके 2/10/2021 हो गई है। यानी आप अपना फॉर्म जो है वापस से, जिन्होंने फिल कर दिया था उनको वापस फिल नहीं करना है, लेकिन जिनका फॉर्म आधा अधूरा रह गया था, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था, या फिर जिनका पेमेंट नहीं हुआ था, वो वापस से अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जिन्होंने फॉर्म पहले भरा ही नहीं था, वो भी भर सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर। लास्ट डेट जो है दोस्तों, 2/10/2021 रखी गई है। 2/10/2021 से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। दोस्तों, पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि इसका पेमेंट कितना है। इसमें GNM और BSc नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देना है। और दोस्तों, इसकी जो फ़ीस रहेगी आपकी, 400 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये इसके अंदर फ़ीस रहेगी, अनरिजर्व OBC के लिए 400 रुपये। और आपको फ़ीस का जो पेमेंट करना है दोस्तों, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दे रखा है, ये अकाउंट नंबर दे रखा है, ये इसका IFSC कोड दे रखा है, ठीक है, ये MICR कोड दे रखा है। आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी पे कर सकते हो। इस अकाउंट में पे करना है, चाहे या तो आप बैंक में जा कर के कर सकते हो। खाली आपको करना कुछ नहीं है, जो ट्रांजेक्शन ID होगी, जब आप पेमेंट कर देंगे तो अपनी हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको जो ट्रांजेक्शन ID होगी वो आपको डालनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपके पास ट्रांजेक्शन ID आएगी दोस्तों। तो आप कोशिश करना कि आप जिनसे फॉर्म भरवा रहे हो, तो ईमित्र से भरवाएं, ताकि वहां से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी आपको, तो वो लोग आपको ट्रांजेक्शन ID वगैरह सब डाल देंगे। यहाँ पर इसमें आपको पेमेंट कर देना है। इसमें पेमेंट करने के बाद आगे क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अपन चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 जो लाइन दिख रही है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे जो है देखेंगे, इसमें आएगा, यहाँ से आप इसका रिक्रूटमेंट मतलब जो डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन रजिस्टर पर जाते हैं। रजिस्टर पर जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये पोस्ट मांगेगा। उसके बाद में क्या करना है, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम, कैटेगरी आ जाएगी, आप कौन से कैटेगरी मतलब ये डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब आपका पूछेगा। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद में जब आप जैसे रजिस्टर करेंगे, तो इसके अंदर जो यहाँ पर जो 3 डॉट है, 3 जो लाइन है, इस लाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, वही आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी मेल ID और पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसको जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ये पेमेंट की डिटेल मांगेगा, इसमें पेमेंट का अमाउंट मांगेगा, ट्रांजेक्शन ID मांगेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि CHO की जो वैकेंसी है, 3000 से प्लस पोस्ट आने आ गई है दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन का वीडियो जल्द ही मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जैसे वो वीडियो में डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।